लोकसभा बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने गोरेला पेंड्रा के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू गोरेला भाजपा मंडल के ग्राम खोडरी, ठेंगा डाड़, केवची, तेरईतार, पीपरखुटी, साराभर, सवधानी, ललाती एवं पेंड्रा मंडल के काशीवन, चौबेपारा, मंडरीपारा, बंडी बहेरा, तेंदपारा में सघन जनसंपर्क किया। विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की, केंद्र के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भाजपा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तोखन साहू ने कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार लगातार गाँव, गरीब, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों के विकास में काम कर रही है। शौचालय प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, किसानों को सम्मान निधि, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे जैसे योजनाओं के जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई है, जिसने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में धान का 2 साल का बकाया बोनस 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदी। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमा महिलाओं को 1000 रुपये, 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण की स्वीकृति, रामलला दर्शन योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को पूरी करके मोदी की गारंटी को लागू किया है। महोदय, अभी आपका सघन दौरा रहा है, जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, विगत 10 साल में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धरातल में काम हुआ है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने लोगों के जीवन को संवारने का काम किया है और इससे लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। आज हर घर, हर व्यक्ति के पास माननीय मोदी जी 5 किलो चावल भेज रहे हैं, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से सभी महतारी बहनों के खाते पर 1000 रुपये जा रहा है। किसानों को 2 साल की बोनस की राशि मिल गया, 3100 रुपये में धान खरीदी हो गया। ऐसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है और माननीय मोदी जी ने इस देश पर जो बड़े बड़े निर्णय लेकर के, शास्त्री में धारा 370 समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, त्रिवक तलाक कानून पास करना और जो वर्षों से रह रहे विस्थापित लोग उनके लिए सृजन एमेंडमेंट एक्ट ला करके उनके भी जीवन को संवारने का काम किया गया है। तो पूरे देश में, भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग आगे आकर बोल रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही, इसलिए मोदी जी के प्रति आकर्षण है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, मोदी जी ही इस देश के भविष्य को संवार सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से देवेंद्र यादव मैदान पे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, आज बिलासपुर लोकसभा में हार जीत की कोई चर्चा नहीं होती, चर्चा सिर्फ इस बात की होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा को कितने लाख की अंतर से जीतेंगे। तो हमारा नारा है अब की बार 400 बार, लेकिन बिलासपुर वासी कहते हैं कि बिलासपुर लोकसभा से इस बार अब की बार 3 लाख पार, ये नारा है। आम जनता कह रही है कि बड़े अंतराल से